इस वीडियो में हम सब्सटेंस पेंटर के यूआई का जनरल ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो टॉप में आपको दिखाई दे रहा है ये आपका टूल प्रॉपर्टीज है, जस्ट उसके ऊपर आपका मेनू बार है। यहाँ पे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है ये सारे टूल हैं। ये जो टूल प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करता है टूल के ऊपर। जैसे यहाँ पे ब्रश एक्टिव है तो यहाँ पे ब्रश की प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको शो कर रही है। उसी तरह अगर मैं किसी दूसरे टूल्स को चूज करता हूँ, जैसे यहाँ पे पॉलीगॉन फिल में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये टूल प्रॉपर्टीज टोटली चेंज हो जाता है। उसी तरह डिपेंड करता है ये हर एक टूल के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट जो सेक्शन ये हमारा एरिया है जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये 3D व्यू है। 3D व्यू के जस्ट नीचे हमारा सेल्फ है, जहाँ पे काफ़ी सारे हमारे मटेरियल्स, स्मार्ट मास्क और स्मार्ट मटेरियल्स, अल्फाज, प्रोसीजरल्स, ये सब काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो कि हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रश, तो ये एक तरह से आपका सब्सटेंस पेंटर के द्वारा क्रिएट किया हुआ पूरा लाइब्रेरी है। आप चाहें तो आपका खुद का भी ब्रश या फिर अल्फा यहाँ पे या फिर टेक्सचर इंपोर्ट कर सकते हैं। जस्ट इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका राइट हैंड साइड में जो टॉप में है वो टेक्सचर सेट है, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे देखिए टेक्सचर सेट में जो हमारा और यूवी जो मैंने अरेंज किया है वो एक ही, और मटेरियल भी एक ही अप्लाई किया है। इसकी वजह से यहाँ पे ये सिंगल टेक्सचर सेट है आपका, और जस्ट टेक्सचर सेट के नीचे आपका लेयर है जहाँ पे आप लेयर क्रिएट करके पेंट कर सकते हैं या फिर फिल लेयर यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका टेक्सचर सेट होगा उसकी सेटिंग आपको टेक्सचर सेट सेटिंग के अंदर मिलेगी, जो कि आपके लेयर के जस्ट राइट हैंड साइड में है। आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस वक्त जो टेक्सचर सेट जो हमारा है उसका साइज है 1K। आप चाहें तो इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे चैनल, यहाँ पे देखिए बेस कलर है, उसी तरह हाइट है, रफनेस, मेटालिक हमने यूज किया है तो यहाँ पे रफनेस और मेटालिक का चैनल है, उसी तरह नॉर्मल है। यहाँ पे इसके बाद है मेस मैप्स का, जहाँ पे हम लोग बेक करेंगे मेस को, तो ये हम लोग आने वाली वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रश। उसी तरह से जैसे ही हम लोग यहाँ पे अल्फा की ओर जाएंगे तो यहाँ पे अल्फा की अगर यहाँ पे करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो इस तरह से ये आपको स्विच होगा। तो चलिए आने वाले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरह से जो हमारा मेस है उसको बेक करेंगे।